नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई बहुत बड़ा तस्करी कांड कांड बोलेंगे। जी हाँ साथियों, जो कि दो नंबर में आता है वो कांड ही होता है भाई, एक नंबर वाला कांड नहीं होता। आप यकीन मानिए, एक दिन में दुबई से इंडिया राजस्थान जयपुर फ्लाइट में 32 किलो गोल्ड पकड़ा जाना छोटी बात नहीं है। जी हाँ, 32 किलो गोल्ड मेरे भाई कम नहीं होता, 16 करोड़ रुपए का समथिंग, 16 करोड़ रुपए का गोल्ड है। जी हाँ साथियों, अब इसका आगे पूरी जानकारी से मैं बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। भाई देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है तो कुछ इंसान बेरोजगार हैं, उनकी मजबूरी होगी या हो सकता है गोल्ड तस्कर हो, हमें नहीं पता। दुबई में आपको पता है, इंडिया में दुबई में 10,000 का भी फर्क चल रहा है। अभी मैंने देखा है इंडिया में 50,000 पर ग्राम गोल्ड चल रहा है और दुबई में 40,000 पर ग्राम गोल्ड चल रहा है। 1 ग्राम में 10,000 का फर्क है, आप सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान को लालच आ जाता है, ये मोटा माफिया दो नंबर इसको बोल सकते हैं। और दो नंबर इतना ही होता है कि भाई ये टैक्स नहीं चुकाते, इसीलिए दो नंबर में आता है। तो ये जो हमारे राजस्थान में मान लो कहीं पर भी जो सराफा व्यापारी हैं, बड़े जो गोल्ड का बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े शोरूम वाले, ये कहीं ना कहीं इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि इनको बिना टैक्स का गोल्ड सस्ता मिल जाता है और वो उनके आभूषण बना के इंडियन भाव के हिसाब से बेच देते हैं। तो भाई 32 किलो सोना पकड़ा गया, लगभग 14 लोगों से, दो फ्लाइटों में पकड़ा गया है। 22 किलो सोना 11 लोगों से पकड़ा गया है, 9 किलो सोना 9 यात्रियों से पकड़ा गया है। अब आप सोच सकते हैं, इतना गोल्ड लाया, ये लाए कैसे? देखिए, विदेशों में आपको पता है जो छोटी बड़ी जो लाइटर होती हैं, लाइट होती है एक तरह से, इमरजेंसी लाइट हमारे राजस्थानी में बोलते हैं, लाइटों के अंदर जो सिस्टम होता है खोखला अंदर से होता है, उनको उखाड़ के उनकी जगह, आपको पता है भाई गोल्ड की जो प्लेटें आती हैं जिनको हमारी भाषा में ईंट बोलते हैं राजस्थान में, ठीक है, या बिस्कुट आप बोल सकते हैं, बिस्कुट सोने के बिस्कुट बोलते हैं, तो वो क्या उनमें सेट करके वो लेके आए। अब उनको समझ में नहीं आया यार कि इतने इतने बड़े स्कैनर लगे हैं, आप स्कैनर से निकलोगे पकड़े नहीं जाओगे। तो ये बंदे पकड़े गए, 16 करोड़ रुपए का गोल्ड पकड़ा गया है और ये संभवतः राजस्थान में सबसे बड़ा इसको आप स्कैम मान सकते हैं, गोल्ड तस्करी का। जी हाँ, तो भाई इसके लिए जाँच बिठा दी गई है, नाम उनके ऊपर नहीं किए गए हैं, जाँच की जा रही है, कहीं ज्वेलर्स जो हैं सराफा व्यापारी उनके भी इसमें लिंक हो सकते हैं। 1962 में एक कानून बना था साथियों, अधिनियम, उसमें 110 की धारा के तहत जितना भी गोल्ड है उसको जब्त कर लिया गया। जी हाँ, 1962 की धारा 104 में इनकी गिरफ्तारी हो गई। जी हाँ साथियों, गिरफ्तारी का होने का मतलब है जेल जाना तय है, इनको जेल जाना ही पड़ेगा। और इनका आप एक बात को समझ लीजिए कि ये गोल्ड तस्करी करते क्यों हैं। अगर देखिए, आप ईमानदारी से जैसे लाख रुपए का गोल्ड लेके आ रहे हो, 50,000 की का आपको पता है एयरपोर्ट पे डिस्काउंट आपको मिल जाता है कि 50,000 तक आप गोल्ड ला सकते हो, लेडीज 1 लाख रुपए तक का गोल्ड ला सकता है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उससे ऊपर मान लीजिए आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख का गोल्ड लेके आ रहे हो, तो आप ईमानदारी से कस्टम दीजिए। कस्टम का मतलब होता है 38%, यानी 38% आपको टैक्स देना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। आप अगर 10 लाख का गोल्ड लेके आ रहे हो बाहर से, तो 3,80,000 रुपये आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, तब आपका गोल्ड इंडिया में एक नंबर का हो जाएगा। और ये क्या करते हैं कि वो टैक्स बचाने के लिए ये पूरा प्रोसेस चलता है। अब भाई आप समझ लीजिए कि 16 करोड़ का जो गोल्ड है उसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए की शुद्ध इनकम है। जी हाँ साथियों, और 2.5 करोड़ रुपए बंदा अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता तो एक दिन में ये 2.5 करोड़ रुपए कमा लेते। तो भाई इसीलिए ये माफिया लोग इतना जल्दी पैसे वाले बनते हैं। लेकिन चोरी का, हमारे राजस्थानी में कहावत है, चोरी का माल मोरी में की जावे, समझ गए आपको। अब इनका क्या होगा, मुकदमा लगना है, टैक्स भी लगेगा, हालांकि गोल्ड इनका जब्त नहीं होगा, गोल्ड वापस मिल जाएगा, कोर्ट के थ्रू मिलेगा, पूरा प्रोसेस चलेगा, जेल जाना पड़ेगा, पूरी जांच होगी, क्योंकि बड़ा मामला है। छोटा होता तो टैक्स लेके उनको छोड़ देते। टैक्स 38% तो साहूकारी का है, अब इन पे ज़्यादा भी लग सकता है, गवर्नमेंट कितना लगाती है वो उन पे अलग से डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कानून के तहत चला गया मैटर। मेरे ध्यान रखें, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केरला में, जी हाँ केरल में सबसे ज़्यादा गोल्ड तस्करी होता है। एवरेज वहाँ पे 4 एयरपोर्ट हैं केरला में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहाँ पे लगभग 2 किलो एवरेज रोज का गोल्ड पकड़ा जाता है। तो आप समझ सकते हैं केरला में सबसे बड़ा हब है, इसीलिए भाई वो लोग सबसे ज़्यादा गोल्ड पहनते हैं और वो वहीं से उनका शौक है। केरला में सबसे ज़्यादा लोगों को गोल्ड पहने हुए आपने देखा होगा, विदेशों में भी लोग पहने रहते हैं, उधर जाओ तो सबके हाथों में गोल्ड आपको मिल ही जाएगा। तो बस आपकी जानकारी साथियों देना थी कि कोई आपको लालच दे
तो भाई लालच में नहीं पड़ना है। छोटे से लालच के बेटे फालतू में अखबार में फोटो भी छप जाएगी, नाम छप जाएगा, मुकदमा लग जाएगा और कोई सेंस वाली बात नहीं रहेगी। बस आपके साथ ये जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।